अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब मैं हूँ साममा सलीम और जनाब आज मैं आई थी अलादीन शॉपिंग सेंटर कुछ चीज़ें लेनी थी भाभी और बच्चों के साथ आई थी मैं अपने भतीजा भतीजी के साथ तो मैंने सोचा आपके लिए एक व्लॉग बना लिया जाए यहाँ पर मैं एक शॉप में मौजूद हूँ जहाँ सिक्स फिफ्टी की सेल लगी हुई है और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत सूट है यहाँ पर कुछ सूट्स के साथ शिफॉन का दुपट्टा था कुछ के साथ लॉन का और कुछ के साथ नेट के दुपट्टे थे ये एच कलेक्शन के नाम से ये शॉप है तमाम जो सूट्स हैं यहाँ पे सिक्स फिफ्टी की रेंज में हैं अच्छे से अच्छे कलर मौजूद हैं यहाँ पर और काफ, काफी स्टफ भी काफ़ी अच्छा था ये इन्हीं का स्टॉल है ए एच कलेक्शन का जहाँ पे सिक्स हंड्रेड की सेल लगी हुई है और ये हैंडमेड सारे इसमें कढ़ाई हुई हुई है सारी एम्ब्रॉयडरी इसमें हैंडमेड है और ट्राउज़र पर भी कढ़ाई हुई हुई है आप देख सकते हैं ये भी सिक्स का है और काफ़ी ख़ूबसूरत कलर है नट दुपट्टे के साथ है ये ये सारे सूट सिक्स फिफ्टी की सेल में है ये सारे जो सूट्स हैं ये सारे शिफॉन्डो दुपट्टे के साथ थे काफ़ी अच्छे कलर्स थे और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास और बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी कपड़ों में देख सकते हैं आप ये येलो वाला भी बहुत खूबसूरत था इसके साथ प्रिंटेड ट्राउज़र था भतीजा भतीजी मेरा वो बड़े गौर से देख रहे हैं कपड़ों को क्योंकि उनके पसंद के खिलौने नहीं मिल रहे थे उन्हें तो काफ़ी परेशान थे खैर ये सिक्स फिफ्टी की ये भी सारी जो रेंज थी जो रॉ थी ये पूरी सिक्स फिफ्टी में थी कलर्स आप देख सकते हैं सारे एक से बढ़कर एक कलर्स हैं स्टफ़ भी बहुत अच्छा था इनका और ये सारे सूट लॉन् दुपट्टे में था ये एक रेड कलर का स्टफ़ आप देख सकते हैं इसके साथ प्रिंटेड ट्राउज़र है और ये भी सिक्स फिफ्टी की रेंज में था इसके साथ भी लॉन्ड दुपट्टा था अब मैं आई थी अबाई के शॉप पर यहाँ पे जितने भी अबाये थे ये सेवन हंड्रेड की रेंज में थे ये प्रिंटेड अब आया था ये देखें सेवन हंड्रेड का था ये ये जितनी भी लाइन थी सेवन हंड्रेड की थी सेल लगाया हुआ था इन्होंने अब पे ये ब्लैक वाला अब आया भी सेवन हंड्रेड का था ये इनकी शॉप का नाम है चमन क्लॉथ फैशन अंदर सारी अब की वैरायटी है जहाँ पे थर्टीन हंड्रेड की और थाउजेंड रुपीज़ की भी रेंज में आपको अब मिल जाएंगे ये देखें ये सारे फैंसी अब थे और काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ था इनमें और ये थर्टीन हंड्रेड की सेल में थे शॉप से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये मार्केट में एटीन हंड्रेड के सेल होते हैं हमने यहाँ पर सेल लगाई हुई है तो ये थर्टी थर्टीन हंड्रेड के आपको मिल जाएंगे काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास अब आएगी की ये देखिए डबल शर्ट पर भी है ये ओपन शर्ट स्टाइल में अब आया है ये सब आपको थर्टीन हंड्रेड की रेंज में मिल जाएगा अब आया देख सकते हैं आप ये मैं इनका कार्ड आपको शो कर देती हूँ व्हाट्सएप नंबर भी है आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे भी इनसे कॉन्से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अभी थाउजेंड रुपीज़ की ए, सेल में था ये जर्सी स्टफ़ में है और ये भी सारे अच्छे आए थे सारे कलर्स आप देख सकते हैं सारे अच्छे अबाए थे इनके पास स्टफ भी इनका बहुत अच्छा था ये सारे अबाए जर्सी फैब्रिक में थे जो थाउजेंड रुपीज़ की सेल में थे यहाँ पर एक शॉप एक शॉप और थी जहाँ पे फाइव हंड्रेड की सेल में सूट थे इनके गले पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छे सूट्स हैं ये यहाँ हम एक और शॉप पर आए थे ताज महल बनारसी सिल्क सेंटर इनके पास भी थाउजेंड रुपीज़ की रेंज में बहुत प्यारे प्यारे सूट थे सेवन फ़िफ्टी के रेंज में थे आप देख सकते हैं सेवन फ़िफ्टी की रेंज में है और ये सारे सिल दुपट्टे के साथ हैं फ्रंट इनका एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ है आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रेंज इनके पास मौजूद है काफ़ी अच्छा स्टफ था इनके पास एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त हुई हुई थी ऐसा नहीं है कि सेवन फ़िफ्टी में है तो कोई बुरी चीज़ आपको मिल रही है बहुत अच्छा स्टफ़ था इनका मैंने भी दो सूट परचेज़ किए हैं यहाँ पर इन शाला तला जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसमें जो मैंने यहाँ से चीज़ें ली हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी देखिए ये थाउजेंड रुपीज़ की सेल में था इसमें नक लगे हुए थे और टसल्स वगैरह लगे हुए थे और ये सिंधी कढ़ाई कहलाती है सिंधी कढ़ाई के सूट थे ये थाउजेंड रुपीज़ के सेल में थे ये जितना भी आपको नजर आ रहा है ये सिंधी कढ़ाई कहलाती है कुछ इसमें हैंडमेड थे कुछ इसमें मशीन की कढ़ाई थी ये सब आपको थाउजेंड रुपीज़ की सेल में मिल रहे थे और जो सामने ऊपर लगे हुए थर्टीन हंड्रेड की सेल में थे इनके दुपट्टे पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और सिल्क के सब के साथ सिल्क के दुपट्टे थे इनकी शॉप का कार्ड भी मैं आपको दिखा रही हूँ इनका व्हाट्सअप नंबर भी था आप इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ये देखें ये जो सूट है ये फाइव हंड्रेड रुपीज़ की सेल में है ऊपर वाला ब्राउन कलर का इसमें कॉलर भी बना हुआ है आगे पूरा फ्रंट इसका एम्ब्रॉयडरी था ये भी सारे आपको सेवन फिफ्टी की सेल पे मिलेंगे पूरा फ्रंट इसका एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ है और सबके साथ नेट के दुपट्टे हैं और बहुत खूबसूरत सूट थे ये इनके ट्राउजर पे भी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है अच्छा आप ये देखें कि एक से बढ़कर एक कलर है कोई कलर रिपीट नहीं हो रहा और सब कलर मौसम के हिसाब से हैं सब आप देख सकते हैं पर्पल और इसके बराबर में ब्लैक ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था ये सूट लेकिन सिर्फ नेट के दुपट्टे की वजह से मैंने नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं पहनती नेट के दुपट्टे देख सकते हैं आप ये हम एक दूसरी शॉप पे मौजूद थे जिसका नाम था नासिर फैंसी कलेक्शन सॉरी कॉर्नर नासिर फैंसी कॉर्नर नाम था इसका इसमें भी आपको सिंधी सूट भी मिल जाएंगे बलोची बलोची कढ़ाई के सूट्स भी थे और जिस तरह से हम लोग पहनते हैं वैसे सूट भी थे अजरक के सूट भी थे सब सेवन फिफ्टी के सेल में थे सबके फ्रंट में पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ट्राउज़र में भी एम्ब्रॉयडरी थी कुछ के ट्राउज़र सादे थे कुछ के एम्ब्रॉड्रेड थे और सब सेवन फिफ्टी की सेल में थे ये देखें ये बाहर इन्हीं की शॉप का स्टॉल था ये भी सेवन फिफ्टी की सेल में थे बहुत सारे सूट्स की दुकान हैं जिसमें अच्छे लोगों सबसे ज़्यादा लोगों ने सेल लगाई हुई थी सबको मैं एक साथ कवर नहीं कर सकती वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी इन ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं और शॉप्स की विज़िट भी कराऊंगी आपको ये देखें ये भी सेवन फिफ्टी की सेल में थे और ये अंदर जो सूट लगे मैं ये थाउजेंड रुपीज़ की सेल में थे इनमें सबके साथ लॉन के दुपट्टे थे कुछ के साथ चकोन के और सिल्क के दुपट्टे थे मगर ज़्यादातर में लॉन के दुपट्टे थे ये ऊपर जितने भी सूट आपको नज़र आ रहे हैं सब के साथ लॉन के दुपट्टे हैं बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई हुई थी बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी ज़रूर आएँ आप लोग यहाँ पर विजिट करें एक दफ़ा अलादीन मार्केट में काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिलती हैं सेल के अलावा भी अगर आप कुछ लेना चाहें तो आपको काफ़ी अच्छी प्राइजेस में यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं अच्छा ये इनका मैं कार्ड शो कर रही हूँ ये लोग ऑनलाइन भी डील करते हैं आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं अब मैं एक और शॉप पे मौजूद थी मलिक ट्रेडर्स के नाम से इनके पास सारे बर्तन थे प्लास्टिक के मेलामाइन के शीशे के आप जैसा भी लेना चाहें ये जो प्लास्टिक के बर्तन थे ये हंड्रेड और वन फिफ्टी के सेल में थे देख सकते हैं मसाला जार्स और हुक और ये सारे आपको जार्स टिफ़िन बॉक्स ये काफ़ी सारी वैरायटी थी इनके पास जो कि हंड्रेड और वन फिफ्टी की सेल में थी ये छोटे छोटे प्याले बच्चों के लिए आपको मिल जाएंगे यहाँ से हॉटपोट थे इनके पास जग का सेट था दो जार्स तीन जार्स चार जार्स के सेट थे बॉटल्स थी वाटर बॉटल्स थी काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे जो हंड्रेड और वन फिफ्टी की रेंज में थे सेल लगाई हुई थी इन्होंने और ये सेल हमेशा रहती है ठीक है आप देख सकते हैं ये सब जार्स जो भी आपको सामने नज़र आ रहे हैं ये हंड्रेड से वन फिफ्टी की रेंज में आपको सेल में मिल जाएंगी ये दो जग के प्राइस भी हंड्रेड रुपीज़ के थे ये रोटी कवर है ये शीशे के ग्लास हैं छोटे ये भी हंड्रेड रुपीज़ के थे ये सारे ग्लासेस भी हंड्रेड रुपीज़ की सेल में थे देख सकते हैं आप ये बाउल्स थे मेलामाइन के इनके डिफरेंट प्राइजेस थे टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री हंड्रेड ट्रे ये टू टू फिफ्टी थ्री फिफ्टी और थ्री हंड्रेड की रेंज में ये सारे ट्रेस और ये दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी वैरायटी थी ज़रूर ज़रूर विज़िट करें आप लोग अलादीन मार्केट का ये ट्रेज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं और लिड वाले यहाँ पर आपको बाउल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे शेरपुरमे के लिए आपको बाउल्स मिल जाएंगे सेट हैं यहाँ पे सिक्स पीसीस के आप सिक्स पीसिस लेना चाहें और ये देखें मेकअप ऑर्गेनाइज़र भी मिल जाएगा ये ड्रॉर हैं चाहे आप इसको किचन में रख लें या इसके अंदर आप ज्वेलरी वग़ैरह भी रख सकते हैं फ़ोर फिफ्टी रुपीज़ का था और इसके ऊपर ये मसाला जार्स थे सेवन फिफ्टी एट फिफ्टी नाइन फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ की रेंज में आपको वुड के आपको मसाला जार्स मिल जाएंगे टिफ़िन बॉक्स थे लंच बॉक्स थे यहाँ पर नाइसर डाइसर था मैनुअल चॉपर था इसके अलावा कद्दूकश था थर्मोस थे काफ़ी सारे आइटम थे दस्ता था ये सब चीज़ें आपको बहुत ही रिज़नेबल प्राइस में मिलेंगे ये बाहर का थोड़ा सा व्यू था ये प्ले एरिया जाने वाला रास्ता है मैं तो उधर नहीं गई क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था बच्चों ने तो बहुत ज़िद किया था लेकिन हम नहीं जा सकते थे शाम का टाइम था बंद होने का टाइम हो रहा था मार्केट क्योंकि लॉकडाउन की वजह से टाइमिंग चेंज कर दी है पहले तो बारह बजे तक खुला होता था अला उमन अब जो है ये आठ बजे तक खुला हुआ होता है ठीक है अब मैं एक स्टॉल पे मौजूद हूँ जहाँ पे थर्टी रुपीज़ से लेकर फिफ्टी रुपीज़ की सेल लगी हुई थी ये फ़िफ्टी रुपीज़ और थर्टी रुपीज़ में यहाँ से आपको तमाम आइटम्स आपको इसी रेंज में आपको मिल जाएंगे बच्चों के क्लिप्स हैं रेज़र हैं पोनीज़ हैं पेंसिल्स हैं दुनिया का सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा थर्टी से फिफ्टी रुपीस की सेल में देख सकते हैं आप हेयर बैंड्स की काफ़ी अच्छी और बड़ी रेंज है इनके पास हर तरह के हेयर बैंड्स हैं बच्चों के लिए पेंसिल्स हैं पेंस हैं बोर्ड्स हैं स्टैम्प पेन हैं काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर जो थर्टी टू फिफ्टी रुपीज़ की सेल में थी पेंसिल्स रेजर्स अब यहाँ पर इन्हीं का ये स्टॉल है जहाँ पे स्काफ़ पेंस क्लिप्स पोनी बच्चों की चूड़ियाँ छोटे बच्चों की स्कार्फ पिंस थी बॉल पिंस थी काफ़ी सारी चीज़ें थीं जो कि फ़िफ्टी रुपीस की सेल में थी किचन्स थी किचन्स फिफ्टी से लेके सेवेंटी रुपीस की सेल में थी जो किचन्स आपको नज़र आ रही हैं पोनीज़ हैं बच्चों की हर चीज़ फिफ्टी से लेके थर्टी सेवेंटी रुपीस की सेल में थी हंड्रेड से अंदर अंदर की ही थी हंड्रेड से ऊपर यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं थी देख सकते हैं आप कैचर्स थर्टी थर्टी रुपीज़ के थे इसमें मेटल के भी थे प्लास्टिक के कैचर्स भी थे यहाँ पे तो कॉस्मेटिक भी था इन्हीं का स्टॉल था ये कॉस्मेटिक आपको हंड्रेड रुपीज़ की और सिक्सटी रुपीज़ की सेल में आपको मिल जाएंगी कुछ चीज़ें यहाँ पे सिक्सटी रुपीज़ की थी कुछ चीज़ें हंड्रेड रुपीज़ की थी जिस तरह से लिपस्टिक्स हैं ये हंड्रेड रुपीज़ की थी जो लैशेज़ रखे हुए हैं वो सिक्सटी रुपीज़ के थे पफ सिक्सटी रुपीज़ का था आई पेंसिल आपको सिक्सटी रुपीज़ की मिल जाएगी नेल्स जितने भी आप देख रहे हैं सब आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएंगे पेंसिल्स आपको हंड्रेड की दो मिल रही, मिल जाएगी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे एक दफ़ा आएँ विज़िट करें अब जी हम थक गए थे अब हमने सोचा हम चाय पियेंगे तो अब हम बैठे हैं चाय के स्टॉल पर अदीन के अंदर ये चाय वाला स्टॉल है और पठान भाई हमारे बहुत अच्छी चाय बनाते हैं हमने अपने लिए चाय मंगवाई थी बच्चों ने कहा कि उन्हें अंडा पराठा खाना है तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं भतीजे मेरे अंडा पराठा तो उनके लिए अंडा पराठा मंगवाया है और ये जो सबसे छोटा भतीजा ये भी जाग चुका है ये सो रहा था इतनी देर से तो अभी हम चाय पियेंगे और अंडा पराठा खिलाएंगे बच्चों को ये इतनी देर से सो रहा था अब ये जाग गया है और जी अब आ गया हमारा अंडा और पराठा बच्चे बहुत शौक से खाते हैं अंडा पराठा सुबह ऐसा लग रहा है जैसे सुबह का नाश्ता कर रहे हैं हम लोग मगर ये शाम हो रही थी मगरब का टाइम था और अब हम अंडा पराठा खाएंगे और चाय पियेंगे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही ठंडा हो और वो खाना शुरू करें जी जनाब हमने चाय पी ली बच्चों ने खा लिया अब हमारे दूसरे स्टॉल पे ये मेकअप का स्टॉल था यहाँ पर हंड्रेड रुपीज़ में लिपस्टिक लैशेज़ मस्कारे लाइनर आपको हंड्रेड रुपीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी ये लिप बाम्स थे हंड्रेड रुपीज़ में लिपस्टिक थे आपको कंसीलर मिल जाएंगे हंड्रेड रुपीज़ में और मस्कारे काफ़ी सारी वैरायटी थी मस्कारे की काफ़ी कंपनीज के थे मस्कारे और सेफेट लाइनर और ये टू इन वन आपको ब्रोशेज़ के सैट आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएंगे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास भी काफ़ी रेंज थी इनके पास भी हंड्रेड रुपीज़ की सेल में ग्लिटर लाइनर आपको हंड्रेड रुपीज़ में मिल जाएंगे ये ग्लॉसेस थे हंड्रेड रुपीज़ में ट्विंकल आपको मिल रहा था हंड्रेड रुपीज़ में बच्चों के बैंड्स थे लिप ग्लॉस थे डरमाक के हुदा ब्यूटी के काफ़ी कंपनीज़ के थे ये बच्चों की क्लिप्स थी ये भी हंड्रेड रुपीज़ का पेयर था मतलब ये जितने भी आइटम्स थे हंड्रेड हंड्रेड रुपीज़ के सेल में थे ये देख सकते हैं आप ग्रीटर आई शेड ये हंड्रेड रुपीज़ के दो थे ये साथ में साशे वाले मास्क थे ये भी हंड्रेड रुपीज़ के थे यहाँ पर इनके पास बैग्स भी थे बच्चों की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी बैग्स की और ये थ्री फिफ्टी रुपीज़ के सेल में थे ये जितने भी बैग्स आप देख रहे हैं थ्री फिफ्टी रुपीज़ की सेल में थे बच्चों की काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास बैग्स की जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ट्यूशन जाते हैं वो उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास बच्चों खुश होते हैं ऐसे बैग से जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स बने हुए हों तो काफ़ी खुश होते हैं तो थ्री फिफ्टी की सेल में बहुत अच्छी रिज़नेबल प्राइस में आपको यहाँ से बैग्स मिल जाएंगे बच्चों के लिए यही बैग्स आप अगर चेज़अप से लेने जाएँ या किसी मॉल से लेने जाएं तो आपको फोर फिफ़्टी टू फाइव हंड्रेड रुपीज़ की रेंज में मिलते हैं मगर यहाँ पे थ्री फिफ्टी की सेल में थे ये बच्चों की गाड़ियाँ थी रिबॉक था और काफ़ी सारे आइटम्स थे बच्चों के स्लाइंस थे ये सब आपको सिक्सटी सिक्सटी रुपीज़ की सेल में मिल रहे थे यहाँ पर इनके पास बॉडी स्प्रे हेयर स्प्रे और इसके अलावा कलर स्प्रे था काफ़ी आइटम्स इनके पास थे जो अलग अलग प्राइजेस के थे मगर काफ़ी काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे इनके पास ये जो आप देख रहे हैं स्टॉल ये इन्हीं के आगे शॉप के आगे के स्टॉल था जो थर्टी रुपीज़ में था यहाँ पर भी उस काफ़ी सारे बच्चों के टॉयज़ थे थर्टी रुपीज़ की सेल में और काफ़ी सारे आइटम्स थे नेल्स थे बच्चों के बॉल टॉयज़ काफ़ी सारी चीज़ें और घर की भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी आपको थर्टी रुपीज़ की सेल में ये कैचर्स वगैरह ये सब कुछ आपको थर्टी रुपीज़ की सेल में मिल रहा था कुछ चीज़ें मैंने नहीं यहाँ से लीं बच्चों के क्लिप्स ली अपनी भतीजी के लिए और पोनी वगैरह ली थी उसके लिए उसे काफ़ी पसंद है ये सारी चीज़ें तो हमने कहा चलो कुछ ले भी लेते हैं साथ में हर स्टॉल से कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हम लोग लेते रहे थे चलते चलते हम एक शॉप पर आए जहाँ पर वॉचेस की काफ़ी अच्छी रेंज थी और ये सब वॉचेस टू फिफ्टी की रेंज में थी जितने भी वॉचेस आप देख रहे हैं सब टू फिफ्टी की रेंज में है इसमें लेडीज़ वॉचेस भी हैं और जेंट्स भी हैं बच्चों के वॉचेस भी हैं ये सब टू फिफ्टी की रेंज में हैं देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी बड़ी रेंज थी इनके पास और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी ये सब टू फिफ्टी की रेंज में थे ये वॉचेस ये टेडी बियर्स थे जो थ्री हंड्रेड से ले शुरू थे और फाइव हंड्रेड पर एंड था ये सारे टॉयज़ भी थे इनके पास जो कि वन हंड्रेड की रेंज सेल में थे जितने भी टॉयज़ हैं नीचे रखे हुए ये हंड्रेड से लेके वन फिफ्टी की सेल में हैं देख सकते हैं आप और ये जो ऊपर टॉयज लगे हैं इनके अलग अलग प्राइजेस थे ये बैटरी ऑपरेटेड है चार्जर वाले हैं तो ये इनके प्राइजेस अलग अलग थे ये सारे जितने भी टॉयज सामने लगे हैं वन फिफ्टी की सेल में थे अब हम आए एक ज्वेलरी के स्टॉल पे ज्वेलरी यहाँ पर जितनी भी आपको नज़र आ रही है सब हंड्रेड रुपीज़ की सेल में थी रिंग्स थे इयर थे पॉप अप रिंग्स एयर रिंग्स थे यहाँ पर और गजरा एयर थे यहाँ पर झुमके थे छोटे ब्रेसलेट्स थे सब हंड्रेड रुपीज़ की सेल में थे स्टोन वाले रिंग्स थे और नग वाले रिंग्स थे काफ़ी सारी इनके पास वैरायटी थी एयर की और रिंग्स की सब हंड्रेड रुपीज़ की सेल में थे और जो ये ऊपर लगे हुए हैं इनके अलग अलग डिफरेंट प्राइजेस थे कोई वन फिफ्टी का था कोई टू हंड्रेड का था और कोई टू फिफ्टी का था लेकिन नीचे आपको जितना भी सामान नज़र आ रहा है ये सब हंड्रेड रुपीज़ की सेल में था काफ़ी प्यारे इनके पास टॉप्स थे किसी के साथ लॉकेट भी था तो वो भी हंड्रेड रुपीज़ का था ये गजरा बालियाँ आपको सामने दिख रही होंगी ये भी हंड्रेड रुपीज़ की सेल में थी बच्चों की पोनियो पोनिया थी फैंसी और फैंसी क्लिप्स थे उनका पैक था ये भी हंड्रेड रुपीज़ की थी ये सारे ब्रेसलेट आपको दिख रहे हैं चोकर है यहाँ पर और ये फैंसी आपको कैचर्स दिख रहे हैं मेटल के क्लिप्स हैं ये सब हंड्रेड रुपीज़ की सेल में था ये देख सकते हैं आप हेयर एसेसरीज़ का काफ़ी सारा सामान था इनके पास जो कि हंड्रेड रुपीज़ की सेल में था जो ऊपर लगे हुए हैं इनके प्राइजेस अलग अलग थे ये ब्रेसलेट भी हंड्रेड रुपीज़ का था बच्चों की रिंग्स थी छोटे बच्चियों की रिंग्स थी सामने नज़र आ रही हैं आपको ये बैंड्स थे ये बनी वाले बैंड्स जो फिफ्टी रुपीज़ के थे और जो फैंसी लगे हैं वो हंड्रेड से लेकर वन फिफ्टी रेंज में थे देख सकते हैं आप इनके पास भी हेयर बैंड की काफ़ी अच्छी रेंज थी क्लिप्स थी अच्छा अब हम आ गए हैं एक क्रॉकरी की शॉप में जिनके पास शीशे के बर्तन मिलते हैं बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं बाहर इन्होंने ये स्टिकर लगाए हुए थे वॉल स्टिकर्स थे फ्रिज के लिए स्टिकर्स थे इनकी प्राइस 150 से लेकर 100 रुपीज़ तक थे जो छोटे वाले थे ये 100 के थे बड़े वाले 150 के थे जिससे मैंने तीन पी पैकेट्स लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मैं भी अपने फ्रिज में लगाऊँगी फिर आपको दिखाऊँगी तस्वीर अच्छा जी अब हम अंदर आ गए इनके शॉप में यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटी है शीशे के बर्तनों की मैं पहले भी इनसे लेकर जा चुकी हूँ यहाँ से अभी भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी इनके पास से उनके पास प्राइस बड़े रिज़नेबल है हर चीज़ के प्राइस और जगह से बहुत कम है और इनकी चीज़ें भी बहुत ज़बरदस्त हैं जो सामने आपको येलो वाली ट्रे दिख रही है ब्राउन कलर की मुझे बहुत पसंद आई थी ये मैंने इनसे ली एक एशरमे का सेट मैंने इनसे लिया और ये सामने जो वाइन ग्लास रखा हुआ है ब्लैक कलर का ये भी मैंने इनसे लिया अभी मैं इनसे पैक करवाऊँगी तो फिर आप देखिएगा काफ़ी अच्छी चीज़ें थी जो पर आपको ग्लास और जग के सेट नज़र आ रहे हैं पर्पल और ब्राउन ये सेवन फिफ्टी रुपीज़ का था और जो वाइन ग्लास थे ये एट हंड्रेड रुपीज़ का था इसके अलावा अलग अलग डिफरेंट प्राइजेस थे किसी की अगर शादी होने वाली है तो अपने जहेज का सामान यहाँ से ले सकती हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइजेस में हैं और जो सामने कप नज़र आ रहे हैं ये थ्री फिफ्टी की सिक्स कप्स थे इनके पास और मतलब काफ़ी सामान है इनके पास और अच्छी वैरायटी में है जो मग ऊपर नज़र आ रहे हैं हंड्रेड रुपीज़ का एक मग है इनके पास कॉफ़ी मग है ये पीछे जो प्लेटर नज़र आ रहा है ये प्लेटर वन फिफ्टी रुपीज़ का था सेट चाहें तो ये आपको सेट भी बना कर देंगे और सिंगल लेना चाहें तो ये आप सिंगल भी ले सकते हैं ये देखिए मैंने ये तीनों चीज़ें इनसे ली हैं अभी मैंने अंकल से पैक करवा रही हूँ जब तक जी जनाब अब हम आगे एक टॉयज़ की शॉप पे चलते चलते एक टॉयज़ के शॉप को विज़िट कर लिया था वो भी बच्चों की वजह से बच्चे जाए जा रहे थे टॉयज़ की शॉप में उनका दिल नहीं भर रहा था ये जितनी भी चीज़ें हैं आपके सामने ये हंड्रेड रुपीज़ की सेल में थी जो नीचे रखी हुई है और ये जो गन्स हैं सामने बैटरी ऑपरेटेड हैं ये फाइव फ़िफ्टी रुपीज़ की थी और ऊपर जो रिमोट कंट्रोल कार्स हैं वो थ्री फिफ्टी से लेकर फाइव फिफ्टी एयर मोबाइल जो है आपका टॉम वाला ये फाइव हंड्रेड रुपीज़ का था बैटरी ऑपरेटेड था और बहुत अच्छी रेंज में हर चीज़ें थी नीचे जितने भी प्राइस आप देख रहे हैं वन फिफ्टी रुपीज़ से लेके हंड्रेड रुपीज़ तक की सेल में थी चलें जनाब हमारी शॉपिंग हो गई कंप्लीट अब हम जा रहे हैं घर अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज